सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। गर्मी का मौसम है, ऐसे में आइसक्रीम किस बच्चे या बड़े को नहीं लुभाती, गर्मी से राहत नहीं दिलाती, मगर यही आइसक्रीम उस वक्त सेहत के लिए आफत बन जाती है जब इसे बनाने और भंडारण के प्रोसेस में खामियां होती हैं। समय समय पर इसमें केमिकल शामिल होने की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में प्रशासन की हल्की सी अनदेखी सैकड़ों बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए आफत बन सकती है, पर खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग जिसके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो खुद जाँच की बजाय पत्रकार से ही लिखित में शिकायत की मांग करने लगे। हम बात कर रहे हैं टोहाना के जाखल कस्बे की, जहां पर अलग अलग ब्रांड की आइसक्रीम धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन की सजगता देखने को नहीं मिलती। वहीं जब इस पर सवाल पूछा गया तो साहब पत्रकार को ही कहने लगे कि आप इसकी लिखित शिकायत दें, पूरा पता और मालिक का नाम बताएं, तभी कार्रवाई होगी। ऐसे में वही मानवाधिकार कार्यकर्ता राजेश शर्मा ने बच्चों की सेहत से अनजाने में हो रहे खिलवाड़ पर चिंता प्रकट करते हुए प्रशासन से गर्मी में सबसे ज्यादा बिकने वाले खाद्य उत्पाद आइसक्रीम के सैंपल भरकर कार्रवाई करने की मांग की है। गर्मियों के मौसम में ऐसी फैक्ट्रियों की बाहर आ जाती है, जो कि जिला फतेहाबाद में काफी ऐसी फैक्ट्रियां खुली हुई है जो कि सरासर स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ का कारण है और बच्चे इससे बीमार क्या मौत का कारण भी बन सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से यही मांग करूंगा कि इसको जल्दी इन फैक्ट्रियों की जिला फतेहाबाद में जांच की जाए, अगर कोई ऐसी निमते पाई जाती हैं तो तत्काल प्रभाव से उनको बंद किया जाए ताकि ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, उससे पहले प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए। नहीं, इससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चों को दस्त लग जाते हैं और पेट की अनेकों बीमारी हो जाती हैं, जिससे अगर दस्त लगने से जैसे उम्र की आजकल पानी की कमी हो जाती है तो ये बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है, इससे स्वास्थ्य में काफ़ी असर पड़ता है। प्रशासन मीडिया के थ्रू हम प्रशासन से मांग करेंगे ऐसी जो फैक्ट्रियां। वही इस बारे में जब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अनिल का कहना है कि उन्हें इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, उल्टा उन्होंने पत्रकारों को ही कैमरे के सामने कहा कि वो उन्हें लिखित में शिकायत दें तभी कार्रवाई होगी। हमारे अभी यहाँ कोई ऐसा मामला आया तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला भी है तो आप एक बार रिटर्न में लिख के हमें दे जाइए कि कौन सी फैक्ट्री है और कहाँ पे चल रही है और इनका मालिक कौन है, हम आगे की कार्रवाई के लिए फिर प्रोसीड करेंगे और इनके जो भी सैंपलिंग है, इनका सैंपल लेना है, इनके पानी की जांच करनी है या खाने की जांच करनी है, वो सारी हम करवा देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्रशासन ऐसे ही सवाल उठाने वाले पत्रकारों से शिकायत की मांग करेगा तो कार्रवाई कब होगी। टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।